अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी फ्राई करने की बहुत ही यम्मी और क्विक रेसिपी जो आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर मैंने इसे किचन टॉवल पर रख कर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब इसका ऊपर और नीचे का पार्ट कट करें और इस तरह लंबाई के रुख में भिंडी को काट लें। फिर नाइफ़ की मदद से इसके सीड सेपरेट कर लें और फिर मैं इसको इस तरह से स्लाइस में काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 3 स्लाइसेस इसके कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बीज रिमूव करने के बाद इसको भी मैं स्लाइस में काट लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से 3 स्लाइसेस में मैंने भिंडी को काट लिया। इसी तरह से हम अपने सारे पीसीस को कट कर लेंगे। आप इस तरीके से भिंडी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े तो क्या बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। इस तरह से मैं फिर से भिंडी को इस तरह से 4 पीसेस में काट लूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी हाथ की मदद से भी इस तरह से सीड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली से इसमें से सारे सीड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सारी भिंडियों के मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और इन्हें इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब मैं इन्हें एक बाउल में डाल दूंगी। सारी भिंडियों को इसमें डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। साथ ही इसे खूब चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर शामिल करूँगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि भिंडियों के ऊपर सारे मसालों की कोटिंग हो जाए। तो अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के शामिल करूंगी। बेसन को आप छान के इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर के डाल दें। अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें या चावलों को सिंपल ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें और फिर इसमें शामिल कर दें। नमक हमने इसमें शामिल नहीं किया था। तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड करें। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल कर दें। अब हम इसे हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें आखिर में इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर नमक हम पहले शामिल करेंगे तो भिंडियों में मॉइस्चर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा ये वाटरी हो जाएंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे रेस्ट नहीं देना बल्कि इसे हम फौरन ही फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसे एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको कुकिंग ऑयल में डालकर चूल्हे पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर की बकेट में मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब उसके ऊपर मैं बहुत हल्का सा ब्रश के साथ ऑयल लगा दूंगी। अब हम इसके ऊपर भिंडी के फ्राइज रख देंगे। तो जब भी आप एयर फ्रायर में कोई भी फूड आइटम्स तैयार करें तो कोशिश करें कि इसे ओवरलैप ना करें बल्कि इसे इस तरह से सिंगल लेयर में लगाएं। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से लगा दें ताकि आपकी भिंडी बड़ी अच्छी क्रिस्पी और यमी तैयार हो। तो ये इस तरह से ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसकी बकेट को इसके अंदर फिक्स करूंगी। इसे मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 15 मिनट्स का टाइम लगा दूंगी। एयर फ्रायर में कुकिंग का टाइम जो है वो आपकी फूड की क्वान्टिटी के हिसाब से 1-2 मिनट ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम एक दफ़ा निकाल के भिंडी को चेक कर लेंगे। इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये हर तरफ से क्रिस्पी हो जाए। अगर आप चाहें तो इस तरफ भी ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दें और फिर से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसका टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया था। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम चेक करेंगे। तो देखें किस कदर क्रिस्पी भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से बाकी के पीसीज भी मैंने इसमें डालकर फ्राई कर लिए थे। तो अब आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।